वीके न्यूज़ राष्ट्र के नाम। भारत का इतिहास मुगल आक्रांताओं की बर्बरता से भरा पड़ा है। देश के कोने कोने में मंदिरों के खंडहर इस बात के गवाह है कि इस्लामी आक्रमणकारियों ने भारतीय मंदिरों को कैसे निशाना बनाया था। प्रमाण इस बात के भी है कि कई मंदिरों को तोड़कर मस्जिदों को बनवाया गया और उसके सबूत वक्त वक्त पर उन जगहों से बरामद होते रहते हैं। ऐसा ही एक मंदिर था गुजरात के पावागढ़ में स्थित कालिका माता का मंदिर। इस मंदिर को 11वीं सदी में बनवाया गया था, लेकिन 15वीं सदी में जब इस्लामी आक्रांता महमूद बेगड़ा की सत्ता आई तो उसने इस मंदिर के शिखर को ध्वस्त कर दिया और उस जगह पीर सदन शाह की दरगाह बना दी थी। हालांकि 500 साल बाद इस मंदिर से उस दरगाह को हटवाया गया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस मंदिर पर पताका फहराकर पुनः इस मंदिर को गौरव वापसी दिलवाया है। आज वीडियो में बात गुजरात के उसी क्रूर सुल्तान महमूद बेगड़ा की करेंगे जिसने इस कुकृत्य को अंजाम दिया था। बताएंगे आपको कि क्यों इस सुल्तान के थूकने भर से लोग मर जाते थे और जिस स्त्री के साथ ये संभोग करता था वो जीवित क्यों नहीं बचती थी। महमूद बेगड़ा गुजरात का छठा सुल्तान था। उसका पूरा नाम अबुल फत नासिर उद्दीन महमूद शाह प्रथम था। महमूद बेगड़ा यूरोपीय देश से भारत आया था। 13 साल की उम्र में ये गद्दी पर बैठ गया था और 52 साल तक इसने राज किया। बेगड़ा एक कट्टर इस्लामी शासक था। उस वक्त बेगड़ा को गुजरात के सबसे शक्तिशाली शासकों में गिना जाता था। काफी कम वक्त में जूनागढ़ और पावागढ़ जैसे इलाकों पर उसने कब्जा कर लिया था। कहा जाता है कि जीत हासिल करने पर बंदी राजा से वो इस्लाम कबूल करवाता था और इनकार करने पर उसे मौत के घाट उतार देता था। बेगड़ा को हिंदू धर्म और उसके अनुयायियों से इतनी नफरत थी कि उसने अपने शासन में पावागढ़ पहाड़ी पर स्थित महाकाली मंदिर और द्वारका मंदिर को तोड़वाने के आदेश दे दिए थे। 1472 में बेगड़ा ने द्वारका मंदिर को तोड़ने का आदेश दिया था ताकि लोगों की आस्था हिंदू भगवानों से कम हो जाए और वे इस्लाम कबूल कर लें। लेकिन वो द्वारिका मंदिर आज भी मौजूद है। क्या है द्वारिका नगरी की पूरी कहानी, कैसे इसे भगवान कृष्ण ने बसाया था और कैसे यह आज समंदर में अपने होने का प्रमाण दे रही है, ये सब अगर आप जानने के जिज्ञासु हैं तो आप कुकू FM पर इससे जुड़ी ऑडियो बुक सुन सकते हैं। इसमें आपको द्वारिका नगरी से जुड़े उन रोचक रहस्यों के बारे में जानकारी मिलेगी जिन्हें जानकर आपको आपके अतीत और इतिहास पर गर्व होगा। कुकू FM भारत का लीडिंग ऑडियो शो प्लेटफॉर्म है जिससे जुड़कर आप अपने ज्ञान में वृद्धि कर सकते हैं। इसे आप अपनी पसंदीदा क्षेत्रीय भाषा में भी सुन सकते हैं। अच्छी बात यह है कि ये भारतीय ऐप है जहां आपको मिलती है ऑडियो बुक्स, ऑडियो शो जिसे सुनकर आप इतिहास के अपने ज्ञान को बढ़ा सकते हैं और भारत के बारे में और ज्यादा जान सकते हैं। अगर आप इस ऐप को डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमने इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। साथ में एक प्रोमो कोड भी है जिसके डालते ही आपको 50% की छूट मिलती है, लेकिन ये ऑफर सिर्फ उन 250 लोगों के लिए है जो पहले इसका इस्तेमाल करेंगे। तो कुकू FM को डाउनलोड कीजिए और सिर्फ 199 रुपए में अनलॉक कीजिए ज्ञान का खजाना। अब बात उस क्रूर और आततायी सुल्तान महमूद बेगड़ा की। सवाल ये कि महमूद बेगड़ा में ऐसा क्या खास था कि उसकी थूक ही दुश्मनों के लिए काल बन जाया करती थी और किसी स्त्री से संभोग के बाद वो जीवित तक नहीं बच पाती थी। दरअसल इसके पीछे बेगड़ा के पिता का वो डर था जिसकी वजह से बेगड़ा जहरीला शासक बन गया था। पुर्तगाली यात्री बाबोसा महमूद बेगड़ा के शासनकाल के दौरान गुजरात दौरे पर आए थे। उनकी किताब है द बुक ऑफ ड्यूरेटे बाबोसा जिसमें उन्होंने महमूद बेगड़ा के बारे में तफसील से लिखा है। बाबोसा बताते हैं कि बेगड़ा को उसके पिता ने बचपन से ही जहर देकर पाला था क्योंकि उसे डर था कि उसके बेटे को कोई जहर देकर मार सकता है और उसकी सत्ता को हथिया सकता है। महमूद बेगड़ा जब छोटा था तभी उसके पिता खाने के साथ उसे थोड़ा थोड़ा जहर देते थे। ये जहर इतना कम होता था कि उसे कोई नुकसान न हो, लेकिन धीरे धीरे जहर की मात्रा बढ़ते गई और एक वक्त ऐसा आया कि बेगड़ा का पूरा शरीर जहरीला हो गया। इतना जहरीला कि उसके बदन पर कोई मक्खी बैठ जाए तो उसकी मौत वहीं पर हो जाती थी। इतिहासकार तो ये भी बताते हैं कि बेगड़ा को अपने जिस दुश्मन को मौत के घाट उतारना होता था वो उसके सामने पान खाकर बैठ जाता था और उसके ऊपर थूक देता था।
जिसके आधे घंटे बाद ही उस शख्स की मौत हो जाया करती थी। कहा जाता है कि महमूद बेगड़ा की भूख भी राक्षसी थी, वो दिन में 35 किलो खाना खा जाता था। कहा यह भी जाता है कि वो इतना जहरीला था कि जिस स्त्री से वो संभोग करता उसकी मृत्यु हो जाती थी। लेकिन कहते हैं कि कोई कितना भी क्रूर हो उसका अंत एक दिन निश्चित होता है और बेगड़ा का भी अंत निश्चित था। बेगड़ा ने लगभग 53 साल तक गुजरात के चंपानेर, बड़ौदा, जूनागढ़, कच्छ इन इलाकों पर राज किया। उसने कई और मंदिर तोड़वाए। इस क्रूर आतताई का आतंक जब बहुत ज्यादा बढ़ गया तो इसके अंत की पटकथा लिखी जाने लगी और 1509 में महमूद बेगड़ा की मौत हो गई। ब्यूरो रिपोर्ट, वीके न्यूज़।